कन्नौज स्वच्छता मैराथन। गांधी जयंती के मौके पर कन्नौज में स्वच्छता मैराथन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को सीढ़ियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा इत्र नगरी के कई मोहल्लों में होती हुई एक इंटर कॉलेज के खेल मैदान में जाकर खत्म हुई। कन्नौज में सुबह से ही गांधी जयंती पर इस बार अलग नजारा था। सुबह से ही सरकारी ऑफिसरों में कर्मचारी और अधिकारी पहुंच गए थे। पहले तो सबने अपने अपने कार्यालयों में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया, फिर सभी नगर के बोर्डिंग ग्राउंड पहुंच गए, जहां से स्वच्छता मैराथन यात्रा प्रतियोगिता की शुरुआत होनी थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे CDO अवधेश बहादुर सिंह ने झंडी दिखाकर मैराथन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। यहां स्वच्छता से जुड़े कई और भी कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। स्टेशन इंटर कॉलेज कन्नौज के मैदान में स्वच्छता ही सेवा के दौरान मैराथन दौड़ रखी गई थी, जो CDO साहब के द्वारा मतलब हरी झंडी दिखाकर उसको चालू किया गया, जिसमें मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया। जो ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके के कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है, मैं ये जानकर बहुत खुशी होती है कि इसमें युवा पीढ़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा और वो अपने आप को साबित कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनसे बहुत से युवा हैं जो अपनी योग्यताओं को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, और जो ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं इनसे मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी का अभिवादन करना चाहता हूँ, जो हमारे इस देश को युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला, इसमें स्वच्छता के व्यापक प्रचार प्रसार और सार्थक काम करने की बात कही गई, और इस दौरान जो शौचालय का निर्माण होना है व्यक्तिगत, उसके लक्ष्य को भी 5 गुना कर लिया गया है, और ये हमारे जिला पंचायत अधिकारी या सब लोग मिलकर की टीम वर्क करते हुए लक्ष्य को भी पूरा कर लिए हैं। आज भी इसी क्रम में मैराथन दौड़ हुई है, जिसमें हमारे 3 पुरुष वर्ग में विजयी घोषित हुए हैं और एक महिला वर्ग में लड़की विभाग की थी। न्यूज के लिए कन्नौज से सुजीत सिंह की रिपोर्ट।